नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को मिली सफलता, तर्ज पर पीसीसी चीफ 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस नेताओं की स्थिति जानने के लिए सर्वे करा रहे हैं। पहला सर्वे हो गया है, दूसरा सर्वे जारी है और जिसकी रिपोर्ट फरवरी महीने में आ जाएगी। वही बता दें कि हालांकि सर्वे के आधार पर अंदर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 37 विधायक और साथ ही 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति मजबूत है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने के लिए कमलनाथ के सर्वे में युवा नेता अर्जुन आर्य के नाम सामने आया है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में 230 सीटों पर सर्वे कराया जा रहा है। इस बार कांग्रेस की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक कमजोर सीटों पर 6 महीने पहले कमजोर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी ताकि प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इधर बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अब तक 2 इंटरनल सर्वे करा लिए गए हैं, जिसमें पहले की रिपोर्ट आ गई है जबकि दूसरी रिपोर्ट फरवरी महीने में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जोर का झटका दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सपा अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर कहा उन्हें कि कोई न्योता नहीं मिला है, हमारी विचारधारा अलग है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के केस फिर से तेजी पकड़ रहे हैं। चीन के हालात सबसे ज्यादा खराब है। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि न्यू ईयर पर वहां हालात और भी बिगड़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया है कि जनवरी में अब 6 देशों के आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करानी होगी। वहीं सरकार ने जिन देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया है उनमें चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड शामिल है। दरअसल इंटरनेशनल आपको बता दें कि ट्रैवल को लेकर यह जारी गाइडलाइन में भ्रम की स्थिति के कारण एयर सुविधा लागू की गई है। बुलंदशहर के थाना गुलावटी पुलिस को शातिर बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में ट्रक लूट की घटना में वंचित चल रहे अपराधी जावेद पुत्र आबिद निवासी ग्राम नंगला रियावली थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर को बता दें कि घायल अवस्था में कब्जे में कर लिया है और साथ ही उसके पास से अवैध अरसरा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही बता दें कि पुलिस ने बताया है कि जनपद में तलाश वंचित अपराधी के विरुद्ध अभियान चलाया गया था और इसी दौरान पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गुलावटी जनपद बुलंदशहर हापुर मार्ग पर हुई ट्रक लूट की घटना में वंचित बदमाश मीठेपुर तिराही के तरफ से मीठेपुर की ओर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मीठेपुर रोड पहुंचकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व तिराहे की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति शॉल ओढ़कर आते हुए दिखाई दिया, जिसे रोकने का इशारा किया गया लेकिन बदमाश भागने लगा। वहीं पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो बदमाश द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके बाद से पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षण बता दें कि जवाबी फायरिंग में बदमाश की गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बता दें कि बदमाश से पूछताछ लगातार जारी है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां पर छात्रों के 2 गुटों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये 2 गुट आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये मारपीट का मामला है जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के कोचिंग हब आवास
आवास जो है वो विकास का है, जहां पर बता दें कि पिछले कुछ दिनों से छात्रा के ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें छात्रा आपस में मारपीट करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें पिछले 10 दिनों से छात्र की मारपीट का आधा दर्जन से ज्यादा वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगने लगे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अरुण, मैनपुरी से जो मामला सामने आया है और जो ये वीडियो सामने आई है जिसमें छात्र आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मामला है और उसमें पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की है? जी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि जनपद मैनपुरी में स्टेशन रोड से लेकर के बाबा चौराहे तक जहाँ पर कोचिंग का हब कहा जाता है आवास विकास के पास, जहाँ पर कोचिंग के छात्रों में आए दिन मारपीट होती है, छात्रों के दो गुटों का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो कहीं ना कहीं खौफ का माहौल कायम करने के लिए खुद ही वीडियो बनाकर छात्र वायरल कर देते हैं। पुलिस पर मामले में लापरवाही करने का लगातार आरोप लगता है और वहीं उपद्रवी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई करने में असफल पुलिस रहती है मैनपुरी की, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई न होने से छात्रों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पिछले 10 दिनों से छात्रों की मारपीट के आधा दर्जन वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। स्टेशन रोड से लेकर भावा चौराहे इससे रेलवे क्रॉसिंग तक छात्रों का गैंग इतनी तरीके से आतंक मचाए हुए है, कहीं ना कहीं ये लगता है छात्रों का पुलिस का खौफ ही नहीं है। आए दिन लड़कियों से छेड़खानी, आए दिन छात्रों को मारपीट करना और गुटों में मारपीट होना, कहीं ना कहीं ये शिक्षा पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। भाई पुलिस से तो इस मामले में जानकारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी गलती दिखाई देती है और इसमें एक्शन नहीं ले रही। कहा आपने, इसमें पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है, लेकिन प्रशासन इस पे मौन क्यों है, प्रशासन इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जी देखिए, आज सीओ सिटी संतोष कुमार है, उन्होंने लगातार कहा है, उन्होंने कहा आज मीटिंग बुला रहे हैं, कोचिंग सेंटरों की लगातार उनसे बात करेंगे कहीं ना कहीं छात्रों को, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं इससे कई बड़ी घटना भी हो सकती है। जिस तरीके से आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं, जिस तरीके से छात्रों में आपस में मारपीट हो रही है लगातार, और ये कोई ज्यादा उम्र के बच्चे नहीं है, ये नाबालिग भी बताए जा रहे हैं क्योंकि ये कोचिंग वाले बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मारपीट लगातार हो रही है। जी अरुण, आप जैसे बता रहे हैं इसे कोचिंग हब भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, साथ ही प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कोचिंग हब होने के कारण यहाँ पर प्रशासन की भी मौजूदगी होनी जरूरी है, सड़कों पर भी प्रशासन की मौजूदगी होनी काफी जरूरी है। प्रशासन वहाँ क्यों मौजूद नहीं था? आपने प्रशासन से बातचीत की इस मामले को लेकर, उनका क्या कुछ रुख रहा है? देखिए, अभी तक तो मैंने खैर प्रशासन बात नहीं की, सीसीटी मैनपुरी से बात की थी, उन्होंने कहा है मैंने कोचिंग संचालकों की सबकी मीटिंग बुलाई है, उनसे मैं वार्ता करूंगा, कहीं ना कहीं छात्रों पर लगाम लगाए। बाकी आज पुलिस भी रहेगी, लगातार गश्त करेगी और लड़कों की तलाश भी करेगी, जो लड़के लगातार मारपीट कर रहे हैं और जो एक गैंग बनाकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए लगातार मीटिंग बुला रहे हैं, उनसे बातचीत भी चल रही है। जी अरुण, एक और बात जानना चाहती थी मैं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं यहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी होती है, ये कोचिंग हब है एक तरह से, और लड़के यहाँ पर काफी इस दौरान मारपीट करते हुए साथ ही लड़कियों को छेड़ते हुए नजर आते हैं, तो ये मामला पहले प्रशासन के नजर में ये मामला जा चुका है? प्रशासन के पता है इस मामले को लेकर? क्या उसने अब तक इस मामले को लेकर, क्योंकि काफी वीडियोस वायरल हो चुके हैं कोचिंग में बच्चों की मारपीट की, तो और 10 दिन पहले भी इसको लेकर एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, तो प्रशासन ने उस मामले पर कोई कार्रवाई की? क्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटर के वहां जो संचालक है उनसे बातचीत की, बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की, कुछ प्रशासन ने किया इस मसले पर? जी देखिए, मैंने जो बच्चों से बात की है, बच्चों का जो और बच्चे हैं जो वहाँ लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो उनका गुट आपस में जब भिड़ता है, कहीं ना कहीं मतलब कि छात्राओं को लेकर लड़कियों को लेकर बात होती है, इन लोगों में वही लड़ाई होती है, तो लगातार इस मामले के आरोप लगते हैं कि ये लड़कियों को पीछे लड़ते हैं, लड़कियों से लगातार ये कमेंट करते हैं, छिड़काने करते हैं, एक दूसरे इसी लड़कियों की बात को लेकर एक आपस में गुट भिड़ते हैं। वही जब इस मामले के 10 दिन पहले से ऐसी वीडियो कई है जो लगातार वायरल होते हैं, हालांकि अब देखना ही होगा न्यूज वन इंडिया का खबर का कितना बड़ा असर पड़ता है प्रशासन या पुलिस, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की मानी जा रही है, क्योंकि पुलिस पर इससे बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई न होने से छात्रों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं, लगातार वीडियो वायरल होते जा रहे हैं, अब देखना ये होगा
कि पिछले 10 दिनों में छात्रा की मारपीट के आधा दर्जन वीडियो, छात्रों की मारपीट के आधा दर्जन वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन अब कार्रवाई क्या होती है? हालांकि सीओ साहब का मामला संज्ञान में है, उन्होंने बताया भी है, अब देखना ये होगा आगे की कार्रवाई क्या होती है। जी बिल्कुल अरुण, सही कहा आपने, देखना अब दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर प्रशासन अब क्या कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैनपुरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से एक भीड़ देखने को मिल रही है, कैसे छात्रा आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि छात्र के दो गुटों का ये वीडियो है जो जमकर वायरल हो रहा है, आपस में छात्र मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी मसले पर जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। कोचिंग हब कहा जाता है इसको, और यहाँ पर छात्र आपस में भिड़ते हुए आए दिन देखने को मिलते हैं। मारपीट का आगे भी पहले भी काफी वीडियो वायरल हो चुका था, लेकिन इस पर लेकर प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इस वीडियो के जरिए देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। जालौन में जिला कारगर में शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और बता दें कि जिसमें कैदियों ने बता दें कि तनाव मुक्त और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जिला जेल प्रशासन ने यह आयोजन किया है। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जेल में बंद कैदियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। साथ ही प्रभारी जेल अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला की सकारात्मक प्रयास के बाद बंदियों की सराहना करते हुए नहीं थक रहे हैं। यह आयोजन जालौन के जिला जेल उरई कारगर में आयोजन किया गया है। और बता दें कि जालौन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि जेल में ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वहां पर जो कैदी मौजूद है वे तनाव मुक्त रह सके। और साथ ही बता दें कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और इसको लेकर प्रशासन, बता दें कि प्रशासन ने इस तरह का खेल का आयोजन किया है, जिला जेल प्रशासन की तरफ से ये आयोजन किया जाता है, जिसमें मकसद ये होता है कि कैदी जो है वह तनाव मुक्त रहे, उन्हें किसी तरह की तनाव ना हो। और जालौन की आपको तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर लगातार जो है प्रशासन की तरफ से ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद के बुलंदशहर में बढ़ती सर्दी और बता दें कि गरीब असहाय निराश्रित यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम और सर्दी से बचाव के लिए नगर निकाय द्वारा अलाव आदि एवं साथ बता दें कि रेन बसोरों में कराई जा रही व्यवस्थाओं को परखने के उद्देश्य से डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने देर रात्रि करीब 10 बजे खुर्जा नगर में भ्रमित करते हुए सर्वप्रथम रोडवेज बस स्टैंड खुर्जा का निरीक्षण किया है। वही निरीक्षण के दौरान वहां पर यात्रियों एवं स्टाफ से वार्ता की गई। साथ ही बता दें कि इस दौरान तमाम तरीके की जानकारी हासिल करते हुए नजर आए हैं। साथ ही बता दें कि बस स्टैंड में सर्दी से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित पाई गई है। और उसके उपरांत जिलाधिकारी ने खुर्जा रेलवे स्टेशन, साथ ही जटिया अस्पताल, साथ ही खुर्जा नगर में सड़क किनारे रह रहे गरीब असहाय निराश्रित लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल का भी वितरण किया है। वहीं डीएम ने कोतवाली खुर्जा के पास बने बता दें कि आश्रय गृह खुर्जा का भी निरीक्षण किया है और वहां पर लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। साथ ही बता दें कि रेन बसेरों में 50 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 13 बेड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। और बता दें कि इस दौरान डीएम वहां पर पहुंचे और साथ ही वहां वो लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां की आप तस्वीर देख सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अरुण यादव जुड़ गए हैं। अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से डीएम निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, इस दौरान लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, क्या कुछ कमियां पाई गई वहां पे? जी, आपको बता दें डीएम ने ये पूरे जिले में निरीक्षण किया है। इससे पहले वो नगर सिकंदराबाद में भी निरीक्षण कर चुके हैं, और जहां तक बात कमी की पाई जाए तो अभी भी कमी ऐसी कोई नहीं मिल पाई है डीएम को, जहां पे रैन बसेरे से संबंधित कोई लापरवाही देखने को मिली है। जी अरुण, इस मामले को लेकर वहां के लोगों से क्या डीएम ने बातचीत की? जिस तरीके से सर्द बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, क्या वहां पे अलाव की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? जी, आपको बता दें रैन बसेरे के लिए 50 बेड की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 13 बेड महिला के लिए आरक्षित किए गए और 11 लोग उसमें रैन बसेरे में रुके हुए पाए गए।
जब पीएम ने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जैसी सुविधा हमें यहाँ पर मिल रही है वो सुनिश्चित है और वो हमारे लिए सही भी है। ऐसी कोई शिकायत अभी तक देखने को नहीं मिली है जिससे ये कहा जा सके कि जो भी रैन बसेरे हैं उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। जी अरुण, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से वहाँ डीएम पहुंचे थे वहाँ पर लोगों से उन्होंने बातचीत की, क्या वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना था, कैसी व्यवस्था है और क्या इस दौरान लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है? जी आपको बता दें खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई है और खाने पीने को लेकर के डीएम ने पूरी सतर्कता बरतते हुए आला अधिकारी को भी आदेश दिए हैं और बताया गया है कि उसमें कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं मिलनी चाहिए। और रही बात लोगों की, जो लोग वहां पे पाए गए जिन्होंने बताया कि अभी तक हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं देखने को मिली है। चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और आप तस्वीर देख रहे हैं कि इस तरीके से बढ़ते ठंड के बीच बुलंदशहर में डीएम निरीक्षण करने पहुंचे हैं और इस दौरान वहां पर बता दें कि तमाम तरह के दिशा निर्देश भी देते दिखे हैं, साथ ही वहां उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। और बता दें कि इस दौरान जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यूपी में, इसको लेकर लगातार डीएम जो है वो खुद जमीनी स्तर पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। रेन बसेरे का उन्होंने निरीक्षण किया है और 50 बेड इस दौरान व्यवस्था की गई है जिसमें 13 बेड महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। बता दें कि इसको लेकर वहां के लोगों से भी बातचीत करने की डीएम ने कोशिश की है, साथ ही बता दें कि वहां पर क्या कुछ कमियां हैं इसको लेकर भी डीएम ने बातचीत की है और जल्द से जल्द उन कमियों को पूरा किया जाएगा। साथ ही डीएम इस निरीक्षण के दौरान काफी खुश नजर आए क्योंकि वहां पर कोई कमियां देखने को नहीं मिली है, वहां के लोगों के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। अब खबर अमेठी से है जहां पर रिटायर्ड फौजी के घर पर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है और चोरी की वारदात से वहां पर हड़कंप मचता हुआ नजर आया। वहीं पुलिस चौकी से चंद कदम दूर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान 8 लाख की कीमत के गहने और कीमती सामान चोरों के द्वारा हाथ साफ किए गए हैं। बता दें कि फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है और इस दौरान बता दें कि अमेठी का यह मामला है जहाँ पर रिटायर्ड फौजी के घर पर चोरों ने हाथ साफ किया है और साथ ही कई कीमती सामान जो है चोरों ने हाथ साफ करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, चोरों की तलाश में लगातार जुड़ी हुई है। लेकिन आप सोचिए किस तरीके से चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोर दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देकर वहां से चले जाते हैं और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती है। अमेठी के रिटायर्ड फौजी के घर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार चोर जो है दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम भदौरिया संवाददाता अमेठी से जुड़ गए हैं। विक्रम, रिटायर्ड फौजी के घर पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दी जाती है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती है, पुलिस इस मामले पर अब क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नए कप्तान के आने से कि जिले में कहीं एक सुरक्षा व्यवस्था का माहौल महसूस किया जा रहा था। वहीं थाना अध्यक्ष शैलेश गुप्ता के कार्यकाल की बात की जाए तो लगातार आए दिन खुद ही चर्चाओं में रहे हैं, उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं। लेकिन चोरी होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये चेतावनी दे रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जा करके चोरियां कर रहे हैं और वो भी रिटायर्ड फौजी के घर पे चोरी, ऐसी पुलिसिंग का कोई मतलब नहीं पुलिसिंग का। बिल्कुल विक्रम, सही कह रहे हैं आप, लेकिन जिस तरीके से रिटायर्ड फौजी के घर पर चोरी हुई है इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है और रिटायर्ड फौजी साहब की बातचीत हुई होगी, कितनी की चोरी हुई है? जी उनके यहाँ जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सभी टीमें पहुंची हैं, जांच की जा रही है, जांच तो होती ही रहती है लेकिन चोरी होना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आए दिन लगातार एक बेहद एक वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, उसके बाद पुलिस इस पे सक्रिय होती हुई नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। तो इस पे कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी पुलिसिंग होगी तो जिले में कैसे सुरक्षा व्यवस्था महसूस करेगी जनता। विक्रम सही कह रहे हैं आप, जिस तरीके से रिटायर्ड फौजी के घर पर चोरी होती है कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है क्योंकि वो एक रिटायर्ड फौजी था जिसके घर पर चोरी की वारदात होती है। लेकिन इस मामले पर लेकर पुलिस का क्या कहना है, पुलिस कब तक चोर की तलाश खत्म कर लेगी, कब चोर को पकड़ा जाएगा?
जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया, ना क्षेत्राधिकारी की तरफ से ना तो कप्तान साहब की तरफ से, जो कहा जा रहा है ऐसे ट्विटर हैंडल पर बताया जा रहा है कि जांच की जा रही है, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ माहौल दिख नहीं रहा है जैसे जो चोरों से सावधान हो कि जनता सुरक्षा व्यवस्था महसूस करे। विक्रम, आप कह रहे थे जिस तरीके से चोरी की वारदातें यहाँ बढ़ती भी नजर आ रही है, चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं, प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से चोरों के हौसले बुलंद है, अगर प्रशासन इस पर अभी से कार्रवाई नहीं करेगी तो ये मामले और भी बढ़ते रहेंगे। और जिस तरीके से अब रिटायर्ड फौजी के घर पर चोरी हुई है, और भी लोगों के घर पर चोरी हो सकती है, तो प्रशासन को काफी मुस्तैद होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस तरह से कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाह होती जा रही है, पुलिसिंग व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई है। जहां बात की जाए जनता में, जनता इसकी कानों कान खबर नहीं होती, चोरी हो जाती है, पुलिस पहुंचती है इतनी देर में, लेकिन वहां क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल नहीं महसूस कर पा रही है जनता। ऐसे चोरी कब खुलासा करेगी पुलिस, ये बड़े सवाल हैं। इस पर कोई बयान अभी जारी नहीं किया गया है पुलिस की तरफ से। विक्रम, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चोरी की वारदातें बढ़ रही है, ठंड का समय है, चोरी की वारदातें बढ़ने लगती है ठंड के समय आते ही, प्रशासन में इसमें कहाँ कमी रह जाती है जो इस तरीके की वारदात बढ़ने लगती है? क्या ये ठंड का असर है जो जिस तरीके से प्रशासन का सुस्त रवैया देखने को मिलता है और चोरी की वारदात बढ़ते हुए नजर आती है? जी बिल्कुल, ठंड का असर तो माना ही जाता, लेकिन चंद कदम, चौकी की चंद कदम दूरी से ये वारदात को चोर अंजाम देके वहां से निकल जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चूक कही जाए या कहीं ना कहीं लापरवाही कही जाए। पुलिसिंग को चेतावनी देते हुए एक तरह से चोरी की गई है, इस पे अगर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पाती है पुलिस तो ये बड़ी घटना को ऐसे अंजाम देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने विक्रम, अगर इस तरीके की घटना को हमने रोक नहीं लगाया, प्रशासन ने रोक नहीं लगाया, तो चोरों के हौसले और भी बुलंद दिखेंगे और इस तरीके की वारदात आए दिन अंजाम देते रहेंगे चोर। शुक्रिया आपका विक्रम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर बता दें कि अमेठी में रिटायर्ड फौजी के घर पर लाखों की चोरी हुई है, और जिसके बाद से पुलिस ने इस दौरान बता दें कि चोरों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। रिटायर्ड फौजी का कहना है कि 8 लाख कीमत के गहने और साथ ही कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। और साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर अब तक चोर कब तक पकड़ा जाएगा, इसको लेकर कोई बात अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं कही गई है, लेकिन प्रशासन लगातार चोर के पकड़ने की तलाश लगातार जुटी हुई है। चोरों के पकड़ने की तलाश में लगातार प्रशासन जुटती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा। शीतलहर और कोहरे के प्रकोप जारी है, शीतलहर का असर आम जनता पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वही परिवहन निगम के बसों में सवारियों का टोटा लगा हुआ है। बता दें कि सवारी ना मिलने के कारण यहां पर गोरखपुर रोडवेज में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 का आर्थिक क्षति हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए क्षेत्र प्रबंधक पीके तिवारी ने बताया है कि ठंड और कोहरे की वजह से कई बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। कई बसों में यात्री न होने की वजह से यात्री के लिए बसों के संचालित नहीं किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षित सुगम यात्रा के लिए इस निर्णय को लिया गया है। इसकी वजह से यात्रियों में कमी देखने को मिल रही है। और साथ ही बता दें कि यात्रियों की कमी होने की वजह से परिवहन निगम गोरखपुर में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 का आर्थिक क्षति हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गणेश जुड़ गए हैं, और मैं जानना चाहूंगी धनेश की शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है और कई बसों का संचालन पर रोक लगा दी गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में जो है, गोरखपुर जनपद में या प्रदेश सरकार के जो आदेश हुए हैं कि दुर्घटना जो बसें कोई दुर्घटना हो रही थी सड़कों पे एक्सीडेंट को देखते हुए, जो दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार से जो नियम है कि 12 बजे के बाद बस संचालन पर रोक लगा दी गई है, उसको अगर देखा जाए तो लगातार औसत लहर जो दो दिनों से लहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। इससे ज्यादातर देखा जाए तो जो लोग जो है घरों से निकलना बंद कर दिए हैं, और रात के जो 12 बजे से लोग जाने की बात कर सकते हैं, तो उसमें भी जो है परिवहन निगम को लगातार जो है हजारों का जो घाटा हो रहा है, और जो
परिवहन निगम को बात की जाए, यात्रियों की बात की जाए, तो घर से निकले और संगाते पकड़े हुए चारों तरफ यात्री घरों के बाहर से कह की प्रकोप से लोग निकल नहीं रहे हैं। और परिवहन निगम को देखा जाए तो हजारों की जो है 40 से 50 हजार रुपए का संचालन में जो है लोगों को जो है क्षति हो रही है। और इसी तरह का प्रकोप जारी है लगातार, बस अड्डे जितने जो है उनसे पूरी तरह से इसी तरह का प्रकोप है और यात्रियों के सन्नाटा पसरा हुआ है। उसमें देखा जाए तो परिवहन निगम जो जनपद गोरखपुर का परिवहन निगम पीके तिवारी ने बताया कि 40 से 50 हजार रुपए का प्रतिदिन घाटे में जा रही है परिवहन निगम। और कारण यही है कि शीतलहर और ठंड की प्रकोप जो है उसी वजह से सारी बातें सामने आ रही थी। धनेश, जिस तरीके से बसों के संचालन पर रोक लगाई गई है, यात्री से आपकी बातचीत हुई होगी, कहां उनको परेशानी आ रही है और किस किस परेशानियों को उनको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ज्यादातर यात्री जो होते हैं कि रात में सफर करके लंबी दूरी सफर करना चाहते हैं, रात में जो है 10 से 12 घंटों की दूरी होती है, रात में सफर करना चाहते हैं कि आराम से रात में सुबह अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। लेकिन जो है शाम होते शीतलहर और प्रकोप जारी हो जा रहा है, उसी ऐसे में यात्री भी, और देखा जाए तो एक तरह से ये 14 जनवरी का जो है खिचड़ी जो आती है उसके उत्तर तो कोई शुभ कार्य नहीं होता है, और कोई शुभ कार्य होता है तो यात्री या फिर जो है कोई फेस्टिवल रहता है तो या जो भी होते हैं उसमें लोग निकलते हैं, लेकिन इस समय कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, मुख्य कारण ये भी हो सकता है। जी 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 धनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये गोरखपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि कई बसों का संचालन पर रोक लगा दी गई है, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है और इसको लेकर बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।